कल हमने जरासंध पढ़ा, जरासंध के बारे में पढ़ा, किस तरह भीम ने जरासंध का वध किया और अर्जुन ये तीनों जरासंध के वहां गए और कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने जरासंध को मारा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है शकुनी का प्रवेश। शकुनी के बारे में हम जानते हैं कि शकुनी दुर्योधन के मामा थे और शकुनी ने ही ऐसे षड्यंत्र रचे और ऐसी साजिशें रची जिससे कि पांडवों को अपना सब कुछ हारना पड़ा। शकुनी का हमेशा से ही दुर्योधन को कुछ न कुछ पांडवों के खिलाफ वे दुर्योधन को बताते रहते थे, कहते रहते थे। और दुर्योधन तो पांडवों से वैसे ही बहुत ईर्ष्या थी उसके मन में पांडवों को लेकर। और जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बहुत अच्छी सुंदर नगरी के रूप में बना दिया और राजसूय यज्ञ कर दिया, तो उसके बाद से दुर्योधन के मन में उनके प्रति ईर्ष्या की भावना और अधिक प्रबल हो गई। वो और अधिक उनसे जलने लगा। तो शकुनी का प्रवेश नेक्स्ट चैप्टर हमारा है। क्या है भाई? ठीक ये नहीं, तो शकुनी का प्रवेश हम पढ़ेंगे, लेसन 14। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार भी निकाल दूंगा, एक बार भी यानी एक बार में ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। अब युधिष्ठिर ने मन में यह प्रण ले लिया कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा और अपने मतलब 13 बरस तक, आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों को, किसी भी अपने बंधु को, किसी को भी भला बुरा नहीं करूंगा। उसके सारे तो जो भाई थे वे भी उनकी बात से सहमत होते हैं। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इन सबके स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। जलन की भावना, जब ईर्ष्या की भावना मन के अंदर घर कर जाती है, तो उस व्यक्ति को फिर सामने वाले जिससे वह ईर्ष्या करता है उसकी कोई भी प्रसिद्धि, कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती है ना। उसका हंसना बोलना, उसका अच्छे से रहना, वो सारी बातें उसके मन में और अधिक ईर्ष्या को बढ़ा देती है। तो दुर्योधन के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। वो पहले से ही ईर्ष्या करता था और फिर जब उसने युधिष्ठिर और पांडवों को, पांचों भाइयों को अच्छे ठाट बाट से रहते हुए देखा, तो वो और अधिक जल उठा। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी क्यों छोटा करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं, बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है मामा जी, तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों नहीं कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, यह खतरनाक काम है। तुम
तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। शकुनी तो दुर्योधन को समझाने का प्रयास करता है कि पांडवों ने जो कुछ लिया है, जो कुछ उनके पास है, वो उनकी उनकी अपनी संपत्ति है, और वो जब ऐसे अच्छे से रह रहे हैं तो तुम्हें कोई दुख करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ तो हस्तिनापुर के सभी शूरवीर जितने भी पराक्रमी हैं सब तुम्हारे ही साथ हैं। तुम चाहो तो उनकी मदद से पूरे संसार में विजय प्राप्त कर सकते हो, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? पर दुर्योधन के तो मन में ईर्ष्या का भाव था, तो वह कहता है कि हम ऐसा अगर है, हमारे पास इतनी शक्तियाँ, इतने सारे शूरवीर हमारे साथ हैं, तो हम उनकी इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर देते हैं, युद्ध कर देते हैं। उन्हें दुखी करना था, दुर्योधन का कुल मानना था कि वह किसी तरह दुखी रहे, पांडवों को कोई सुख न हो। तो शकुनी कहता है कि नहीं, युद्ध तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे उसमें, तो कुछ ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिससे ये बगैर लड़ाई के ही हम युधिष्ठिर पर आराम से विजय प्राप्त कर ले। शकुनी ने कहा। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी, बड़ी उत्सुकता से उसने पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है। चौसर जिसको हम सामान्य शब्दों में कहें तो जुआ है ना, जिसे एक ऐसे पहले के जमाने में खेला जाता था, एक चौसर एक चौकोर कपड़ा होता था, उसके ऊपर कोनियों से उसे खेला जाता था। खेल है ये जिसमें दांव लगाया जाता है ना, एक तरह से जैसे आज जुआ जिसे कहते हैं हम सामान्य अर्थ, उसका अर्थ है जो कि खेलना बहुत बुरी बात है। तो उस समय राजा महाराजाओं के यहाँ इस तरह के खेल आयोजित किए जाते थे, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से खेलूंगा और युधिष्ठिर को हरा कर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मतलब छल कपट से वह तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। धृतराष्ट्र तो बेटे के मुंह में अंधे थे, नेत्रों से तो अंधे थे ही लेकिन हृदय से भी अंधे थे, क्योंकि वे बहुत अधिक दुर्योधन को बहुत अधिक प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा दिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। और दुर्योधन उनकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाता था, धृतराष्ट्र की इस कमजोरी का दुर्योधन ने बहुत फायदा उठाया कि उसके पिताजी कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे और न ही उससे कुछ ऐसा कर, जो कुछ वो कहेगा वो उसे अवश्य करेंगे, अवश्य लाकर देंगे। तो वह शुरू से वो जानता था उनकी कमजोरी, तो उसने उनकी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया। बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे हो काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे ये उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, इजाद यानी उत्पन्न पैदा करना, यह तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है आविष्कार, इजाद यानी आविष्कार से भी हम इसको मान सकते हैं, आविष्कार करना बनाना उसको ना। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी,
धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। अब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने को शकुनी और दुर्योधन ने किसी तरह उन्हें मना लिया कि चौसर का खेल रखा जाए और उसमें युधिष्ठिर और उसके भाइयों को बुलाया जाए। धृतराष्ट्र मना करते हैं, विदुर से सलाह भी लेते हैं, विदुर भी मना करते हैं, उन्हें ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वे अपने बेटे के प्रति स्नेह के कारण उस बात को मान लेते हैं और विदुर से कहते हैं कि तुम जाकर युधिष्ठिर को इस खेल के लिए न्योता देकर आओ। तो उसके बाद लेसन 15 है, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, है ना, इसी कहानी का आगे का पार्ट है। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। धृतराष्ट्र विदुर को भेजता है न्योता देने के लिए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और दो हाथ चौसर भी खेल जाओ। अब विदुर उन्हें इस तरह से निमंत्रण देता है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक यानी कि बहुत ज्यादा, है ना, पूरी तरह से कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। अब पहले के जमाने में राजवंश की रीति हुआ करती थी, नियम हुआ करता था कि यदि किसी राज्य से इस खेल के लिए न्योता आता है तो उस न्योते को राजा ठुकरा नहीं सकते, उन्हें जाना होता है। ये परंपरा के विरुद्ध था, तो इसलिए वो अस्वीकार नहीं कर सकते थे, उन्हें जाना पड़ता है। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया, यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, विदुर ने उन्हें बता दिया था कि ये अनर्थ हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर अपने क्योंकि युधिष्ठिर न्यायप्रिय थे, वो धर्म कर नीति के अनुसार कार्य करते थे, है ना, धर्मराज कहा जाता है उन्हें, कि कभी भी धर्म के विरुद्ध वो कार्य नहीं करते थे। तो चूंकि यह परंपरा के विरुद्ध था, धर्म के राजधर्म के विरुद्ध था उस न्योते को अस्वीकार करना, इसलिए उन्होंने उस न्योते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि यह खेल बहुत लड़ाई झगड़े वाला खेल है, अनर्थ वाला खेल है, फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार किया क्योंकि वे धर्म की नीतियों के विरुद्ध नहीं जाते थे। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था, वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो हाथ खेल लो, खेल ले। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, आप तो ये सब बातें जानते ही हो। वह बोला, आप भी क्या करते कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ, ये कहिए कि मुझ आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन। दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्न आदि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। वे उकसा रहे थे
किसी तरह उन्हें उकसा रहे थे कि वे किसी तरह खेल के लिए तैयार हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। हमने देखा ना सीरियल में, वो अपना पासा ऐसे ऐसे करके ही चलता रहता, उसके हाथ में पूरे समय पासे रहते थे और पासों को घुमाता रहता था। तो काफ़ी अच्छे से वो बहुत निपुण था उस खेल में। शकुनी बहुत कुशल था उस खेल में और पासे फेंकने में, जिससे कि जो जो नंबर वह कहे वही नंबर आए। तो इस तरह से वह बहुत निपुण था। तो उसके पासे ऐसा लगता था जैसे उसके इशारों पर चलते हैं। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है, शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश से कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन मांद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनकी बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, वह उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। उसने नकुल लगा दिया, सहदेव लगा दिया, सारे रत्न खजाने सब कुछ खाली हो गए, राज्य चला गया सब कुछ। अब अपने भाइयों को दांव पे लगाने लगा, दो भाई चले गए, अब अर्जुन को भी उसने दांव पे लगा दिया। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। अपने चारों भाइयों को भी उन्होंने खो दिया। ऐसा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अपना विनाश निश्चित होता है, निश्चित होता है, तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में कार्य करने लगती है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बलपूर्वक उन्हें उस विनाश की ओर भेज रहा हो और पतन की ओर उन्हें बलपूर्वक लिए जा रहा हो। युधिष्ठिर ऐसे कार्य किए जा रहे थे और उन्होंने अपने चारों भाइयों को दांव में हार लिया। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा, और कुछ? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पूछता रहा कि और कुछ दांव पे लगाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और वह बाजी भी ले गया। उसने स्वयं को भी हार दिया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई।
उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय यह मैंने क्या कर डाला। अब अंत में उन्होंने किसे, जब शकुनी ने उकसाया कि तुम अगर अपनी पत्नी द्रौपदी बची है, यदि तुम उसे दांव पर लगा दोगे तो तुम खुद को भी छुड़ा सकते हो, तो अंत में उनके मुंह से निकल गया युधिष्ठिर की हाँ मैंने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। अब कह तो दिया लेकिन फिर वह बहुत अधिक व्याकुल बेचैन हो गए कि उन्होंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। सब धिक्कारने लगे कि युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया। लोग बोले छी छी कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तर बतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया। पर युयुत्सु नाम का एक धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा यह लो यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले मूर्ख नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है, अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब इतना कुछ हो गया, द्रौपदी को भी वह हार लिया युधिष्ठिर, तो जैसे ही द्रौपदी को हारता है तो दुर्योधन कहता है कि अभी के भी विदुर को कहते हैं, विदुर मंत्री थे, तो उन्हें कहते हैं कि अभी कभी जाओ और द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर कहता है कि युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को दांव पर लगाया तो वह उस समय खुद को हार चुका था, वह स्वयं भी उनके अधीन था, तो जब वह खुद को हार चुका था तो उसे कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी और को दांव पर लगा सके, द्रौपदी पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अब दुर्योधन के तो अंदर ईर्ष्या की भावना भरी हुई थी, तो जैसे जैसे पांडवों को वह देखता जा रहा था कि पांडव हार रहे थे, तो उनके हार देख देख के वह बहुत खुश हो रहा था। उतना अधिक खुशी में वो घमंड में इतना अधिक चूर हो गया कि उसे सच और गलत, कुछ सही गलत का कुछ भान ही नहीं रहा। और विदुर की बातों को भी कहता है कि नहीं तुम जो विदुर कहते हैं, तो विदुर की बातों से वो और अधिक बौखला जाता है। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं, आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली रथवान जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे, सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। द्रौपदी ने कहा नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी, अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौट कर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, अपने भाई दुशासन से बोला दुशासन यह सारथी भीमसेन से डरता है, डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ, उससे नहीं रहा गया। वह बोला उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था, वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी, यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का
अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो जो कुछ लोग वहां बैठे थे तो वो भी उसका विरोध करते हैं कि यह गलत है। द्रौपदी को जो दांव पे लगाया गया तो युधिष्ठिर अकेले ही द्रौपदी के पति नहीं है, पूरे पांचों पांडव उसके पति हैं, तो अकेले युधिष्ठिर उस पर अपना अधिकार नहीं लगा सकते। और उसे दांव पर लगाने से पहले युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, इसलिए भी उनका कोई अधिकार द्रौपदी पर नहीं रहता है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। चलो यहाँ तक हमने पढ़ा है, अब हम कल पढ़ लेंगे, कल इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।